हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीत। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम लेटेस्ट अपडेट डिस्कस करने वाले हैं जो कि फ्लिपकार्ट की तरफ से आ चुका है। काफ़ी टाइम के बाद फ्लिपकार्ट की तरफ से वैकेंसीज रिलीज़ कर दी गई हैं, जिसमें पार्ट टाइम भी हैं, फुल टाइम भी हैं, वर्क फ्रॉम होम भी है, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी है। मतलब आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। आप इंडिया में किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं, मेल है, फीमेल है, दोनों एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ना तो आपका कोई एग्ज़ाम होने वाला है, ना कोई आपको एप्लीकेशन की फ़ी पे करनी है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, सारा स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपने कंप्लीट ज़रूर से देखना है। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा काफ़ी सारे और भी डिपार्टमेंट है जिसकी वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक वेबसाइट का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और आप देख भी पा रहे हैं। आप इसको डायरेक्टली गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बात करेंगे फ्लिपकार्ट के आए हुए लेटेस्ट अपडेट के बारे में। सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक करता है मोटिवेट आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। बात करें हम फ्लिपकार्ट की आई हुई लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में, जहां पर आप इंडिया में किसी भी सिटी, विलेज, टाउन से रहने वाले हैं, आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, इसमें हर एक लेवल की वैकेंसीज है जो आउट की गई है। वर्क फ्रॉम होम अलग है, वर्क फ्रॉम ऑफिस अलग है, कुछ ऐसी वैकेंसीज भी है जिसमें वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल भी है। वन बाय वन सबका डिस्कस करने वाले हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी रहने वाली है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, काफ़ी सारे कैंडिडेट के कमेंट्स देखने को मिलते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हैं या हम डिजिटल मार्केटिंग में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो हमें कोई इंस्टीट्यूट गाइड कर दीजिए कहाँ पे हम करें। तो अगर आपको ये चीज़ ऑनलाइन मिल रही है तो मुझे नहीं लगता इंस्टीट्यूट में आपको पैसे वेस्ट करने चाहिए, जहाँ पर आपको मंथली भी अगर मैं बात करूँ 30,000 से 35,000 का आपका खर्चा आ जाता है। सो पर्सनली अगर मुझे भी कोई बोले आप इंस्टीट्यूट प्रेफर करोगे या ऑनलाइन, तो मैं तो ऑनलाइन की तरफ ही जाऊंगी। सो टेक्स्ट बुक की तरफ से 1 ईयर के लिए कोर्स लॉन्च किया गया है, जहां पर लाइव सेशन भी होने वाले हैं, लाइव आपके प्रोजेक्ट चलने वाले हैं। इन्होंने रिसेंटली ये कोर्स लॉन्च किया है, जहां पर कहीं भी नहीं जाना, आपको ऑनलाइन ये आपके कोर्स होने वाले हैं, जहां पर 1 ईयर का ये कोर्स है। इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको इसमें 2 सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पहला सर्टिफिकेट जब आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और जो सेकंड वाला है जब आप अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये मुझे आपके लिए एक बेस्ट अपडेट लगा। इसमें एक बेस्ट चीज़ मुझे लगी कि जब आप ऑनलाइन इसमें कोर्स कर रहे हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स जो आपके चल रहे हैं वो आपके इंडस्ट्रीज में भी काम आने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर डेमो क्लासेस भी चल रही हैं, आपको लेवल का पता चल जाएगा किस लेवल का यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, और आप इनके एग्जीक्यूटिव के साथ अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, वो भी। सो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। इसमें एनरोल करने के लिए डायरेक्ट लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जल्दी से जाकर आप इसके लिए एनरोल कर लीजिए, बहुत जगह पे आपके ये काम आने वाला है। अभी हम बात कर रहे हैं फ्लिपकार्ट के आए हुए लेटेस्ट अपडेट के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। पहले हम बात करें अगर एलिजिबिलिटी की, आपकी एज मिनिमम 18 है, आप अप्लाई कीजिए। मैक्सिमम 40, 45, 48 तक भी आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, एग्ज़ाम कोई नहीं है, सिर्फ आपकी पर्सनल इंटरव्यू होगी, उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होने वाली है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, एग्ज़ाम इसमें नहीं है, ना कोई फ़ी आपको पे करनी है। जॉब लोकेशन भी अक्रॉस इंडिया, चाहे मैं वर्क फ्रॉम होम की बात करूँ, वर्क फ्रॉम ऑफिस की बात करूँ, दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना इसके लिए स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी टाइप की वैकेंसीज है, 99% कैंडिडेट आप में से एलिजिबल होने वाले हैं। तो पहले मैं आपको यही बताती हूँ अप्लाई कैसे करना है। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, सेकंड वाला लिंक आपको सेम रिक्रूटमेंट का मिलेगा, फ्लिपकार्ट रिक्रूटमेंट न्यू अप्लाई ऑनलाइन एंड नोटिफिकेशन, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करके लास्ट में आपको मिल जाते हैं रिक्वायर्ड लिंक। किस तरीके से, पहला लिंक आपको देख पाएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का या अप्लाई ऑनलाइन का, सेम आप सेकेंड भी देख पाएंगे। आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, सेम इंटरफेस आपके सामने ओपन होने वाला है।
क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी रिसेंटली वैकेंसीज आई है, जो मैं आगे आपको बताने भी वाली हूँ कैसे अप्लाई करना है, इसके अलावा किस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो आपके लिए समझना भी जरूरी है, आगे बात करने ही वाले हैं। मान लीजिए आपने फर्स्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जॉब लोकेशन भी मेंशन की है, टाइप ऑफ जॉब भी मेंशन की है, वर्क फ्रॉम ऑफिस है, किस टाइप की जॉब है, सब कुछ इन्होंने क्लियरली डिस्क्राइब किया हुआ है, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट एलिजिबल है। खास तौर पे फ्रेशर्स के हमेशा यही कमेंट्स आते हैं कि हमारे लिए वैकेंसीज बहुत कम आ रही है, तो आपके लिए आ चुकी है। अब मान लीजिए आपने अप्लाई करना है फर्स्ट वाली पोस्ट के लिए, आपको इस पर कर लेना है क्लिक। क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पे इन्होंने जॉब प्रोफाइल भी मेंशन की है, ये भी मेंशन किया कि आपका क्या वर्क रहने वाला है, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, सारी की सारी डिटेल्स इन्होंने डिस्क्राइब की हुई है। मान लीजिए आपने इसके लिए अप्लाई करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे करेंगे क्लिक। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, क्योंकि किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे उसके लिए फ़ी है चाहे नहीं है, रजिस्ट्रेशन मस्ट होती है। तो आपको बिल्कुल फ्री में रजिस्टर अपने आप को कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना है अपनी डिटेल्स फिल करके, देन आपको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई, जिसमें आपको अपना नेम मेंशन करना है, अपनी लोकेशन मेंशन करनी है, परमानेंट एड्रेस क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एज लिमिट क्या है, एंड अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उसके बाद चूज फाइल में आपको अपना एक अट्रैक्टिव सा रिज्यूम अपलोड कर देना है, बिकॉज जो आपके इसमें शॉर्ट लिस्टिंग होगी रिज्यूम के बेसिस पे होगी, तो रिज्यूम आपको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाना है। सो, अब बात करते हैं इसमें वैकेंसीज कौन कौन सी है, बस लास्ट में आपको उसके बाद सबमिट कर देना है। ऑल इंडिया जॉब लोकेशन है, वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप इनकी वेबसाइट पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि कोई फ़ी नहीं आपको पे करनी है। इवन आपको अगर कहीं से कॉल भी आती है कि हम आपको फ्लिपकार्ट में जॉब दिलवा देंगे, आप फ़ी पे कर दीजिए, कभी भी किसी भी प्रोसीजर के लिए फ्लिपकार्ट आपको नहीं बोलता है फ़ी पे करने के लिए, चाहे अप्लाई की बात करें, चाहे इंटरव्यू की बात करें, चाहे ज्वाइनिंग की बात करें, किसी भी स्टेप पे कभी आपको फ्लिपकार्ट पे करने को नहीं बोलता है। सारा प्रोसीजर आपका ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें वैकेंसीज की, तो सबसे पहले जो वैकेंसी है कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट में अलग अलग पोजीशन के लिए वैकेंसीज आउट की गई हैं। अगर आपने कभी वर्क किया होगा या आप नॉलेज रखते हैं कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट की, आपको पता होगा इसमें अलग अलग प्रोफाइल के लिए वैकेंसीज होती है, एग्जीक्यूटिव की होती है, टेलीकॉलर की अलग होती है, टीम लीडर की अलग होती है, एंड अदर वैकेंसीज जो इसमें होती हैं, तो ये इसमें के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर पोस्ट की बात करें डेटा इंजीनियर की है, उसके बाद सीनियर मैनेजर की है, उसके बाद टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर की है, एसोसिएट की वैकेंसीज भी रिलीज़ की गई हैं। इसी के साथ सीनियर एसोसिएट की वैकेंसीज हैं, एग्जीक्यूटिव की है, लीगल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट इसमें आउट की गई हैं, सिस्टम इंजीनियर की है, एडमिनिस्ट्रेटर की है, वेब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट मैनेजर की है, उसके बाद डेटा इंजीनियर की है, सीनियर मैनेजर की वैकेंसीज आउट हुई हैं। नेक्स्ट अगर बात करें बैकेंड स्टाफ की, अलग अलग पोजीशन के लिए वैकेंसीज है, जिसमें इंजीनियर की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है, एनालिस्ट के लिए है, प्रोडक्ट मैनेजर की वैकेंसीज है, टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर लीड की वैकेंसीज है, उसके बाद सीनियर टेक्निकल प्रोडक्ट इंजीनियर की वैकेंसीज है। नेक्स्ट बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है, सॉफ्टवेयर QA इंजीनियर की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जावा एंड अदर वैकेंसीज है जो उसके लिए आउट की गई हैं। नेक्स्ट अगर एज लिमिट की बात करें, मैंने आई थिंक आपको स्टार्टिंग में बताया मिनिमम 18 आपकी एज, आप अप्लाई कीजिए, मैक्सिमम एज पर नॉर्म्स रहने वाली है। आप किसी भी एज ग्रुप में आते हैं अप्लाई कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम जितने भी आप अप्लाई कीजिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, इसमें कुछ वैकेंसीज के लिए सिर्फ आपकी पर्सनल इंटरव्यू होगी, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होने वाली है। कुछ एक दो टाइप की ऐसी वैकेंसी जिसमें आपका वर्चुअल टेस्ट हो सकता है, देन आपकी इसमें इंटरव्यू हो सकती है, उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन हर एक पोस्ट वाइज आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी टाइप की वैकेंसीज है जिसके लिए आप एलिजिबल है, अप्लाई आपको ज़रूर करना है, क्योंकि हर एक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वैकेंसीज है जो आउट की गई हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, अप्लाई करना स्टार्ट हो गया है, जिसमें वर्क फ्रॉम होम होगी, जब आपकी इंटरेक्शन होगी HR के साथ, तो वो आपको क्लियर भी करेंगे आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस रहेगा या वर्क फ्रॉम होम रहेगा। चाहे भी किसी भी टाइप की जॉब हो, वर्क फ्रॉम होम हो, वर्क फ्रॉम ऑफिस हो, कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड की जाती है। सो, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दिया गया है। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं इसी तरीके से हर एक अपडेट आपके लिए लेकर आती हूँ, चाहे प्राइवेट वैकेंसीज हो, गवर्नमेंट हो, वर्क फ्रॉम होम हो, वर्क फ्रॉम ऑफिस हो, फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो, चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करना और बेल आइकन को साथ में जरूर प्रेस कर लेना ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।